एन एम एम एस परीक्षा 2023 जिनके भी क्लास 8 वालों के लिए एन एम एम एस का पेपर होना बाकी है, चाहे आप राजस्थान के हो, हरियाणा के हो, आपके 19 तारीख को पेपर है 19 नवंबर को, या फिर आपके जो बिहार का है या फिर हिमाचल प्रदेश का है, इन सभी के पेपर होना बाकी है, तो उन सभी के लिए गणित के आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सेट का पेपर होता है, एसएटी वाला पेपर, सेकंड पेपर, इनकी जो 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 20 क्वेश्चन आपके गणित के पूछे जाएंगे। तो गणित के प्रश्न कैसे आते हैं, आप गणित में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आप 20 में से 20 प्रश्न गणित के सही कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो गणित का पेपर कैसा आएगा वो हम इसमें देख लेते हैं। साथ ही अगर आप इस परीक्षा के टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको टेस्ट इस ऐप के ऊपर मिल जाएंगी, इस पेपर की पीडीएफ भी आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। साथ ही टेस्ट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट देकर आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। आपके पेपर होने के बाद में आप अपना जो पेपर है मुझे इस नंबर पर भेज सकते हो, ये जो अपना व्हाट्सअप नंबर है इसके ऊपर आप ज़रूर अपना पेपर भेजना, उसका सॉल्यूशन आपको सबसे पहले करवा दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि 2 सही 1/5 में भाग देना है 3/5 का। तो सबसे पहले तो ये मिश्र बिन में, तो इसको सरल बिन में बदलेंगे, तो इसको हम यहाँ पे सरल बिन में बदल लेते हैं। तो जैसे ये दे रखा है 2 सही 1/5, इसको हम यहाँ पे सरल बिन में बदल देते हैं। तो ये 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 5 10 और 1 ये कितना हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा। फिर इसमें भाग देना है 3/5 का, तो भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, इनको गुणा में चेंज करते हैं। तो ये 11/5 वैसे वैसे रहेगा, भाग बदलेगा गुणा में। जैसे भाग को गुणा में बदलेंगे, ये 5 ऊपर चले जाएंगे, 3 नीचे आ जाएंगे, तो ये 5/3 हो जाएगा। यहाँ पर ये 5 से 5 कट जाएंगे, 11/3 इसका आंसर होगा, जो कि चौथे ऑप्शन में आपके आंसर दे रखा है 11/3। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर है वो 11/3 आएगा, जो कि आपके चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न आपके, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी संख्या जो किसी का घन नहीं है। जैसे 27,000, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 × 1000, तो 27 तो 3 के घन है और 1000 10 के घन, तो ये तो आ जाएंगे आपके 30 के घन। तो इसको ये तो पूर्ण घन है। 125 ये 5 का घन है, इसके अलावा यहाँ पे 1000 दे रखा है, ये आपके 10 का घन है। तो बचा मैंने 900, तो 900 क्या है, 930 का वर्ग है, 900 क्या है, 30 का वर्ग है। तो ये इसका पूर्ण घन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपके 900। ठीक है, वर्ग के लिए 2 बार गुणा करते हैं और घन के लिए 3 बार गुणा किया जाता है। अगला प्रश्न है फिर आपके, अजय ने एक सिलाई मशीन 2500 रुपये में खरीदी और 3000 रुपये में बेच दी, तो आपको इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अजय का कितना लाभ हुआ, वो लाभ प्रतिशत आपको इसमें ज्ञात करना है। तो जो जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य होता है, तो क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपये, और जिस पर हम बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है, 3000 रुपये। कम में खरीदी और ज़्यादा में बेची तो लाभ हुआ, तो लाभ कितने का हुआ, 2500 में खरीदी और 3000 में बेची तो 500 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ कितना हुआ इसमें, 500 रुपये का। कैसे याद करेंगे, 3000 में से 2500 को घटा लेंगे तो ये आ जाएगा आपके लाभ कितना, 500 रुपये का। लाभ प्रतिशत का आपको सूत्र याद रखना है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। हमेशा प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं, चाहे हानि प्रतिशत हो या फिर लाभ प्रतिशत, जो क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं। लाभ तो है अपने पास में 500 रुपये, तो 500 ऊपर लिखेंगे, और क्रय मूल्य है 2500 रुपये, तो 2500 यहाँ पर नीचे लिखेंगे। इसको गुणा करेंगे हम 100 से, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 2 जीरो से 2500 का 100 के 2 जीरो को काट देंगे, फिर 25 के पारे से 500 को काटेंगे, तो 25 से कम 25, 25 × 50, तो ये 20 बार कट जाएगा, तो 20% इसका उत्तर आएगा आपके ऑप्शन नंबर 30 में दे रखा है 20%। ऐसे आपको प्रश्नों को हल करके इसका आंसर निकाल लेना है। फिर आपके अगला प्रश्न है, 832 में 5 का पूर्वेण अंक क्या है, ये 8 का पूर्वेण अंक क्या है, तो 8 के आगे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 0। किसी समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का जो मान है वो कितना डिग्री होता है, तो देखो सभी जो किसी भी समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना हो, तो पहले हम उसके सभी कोणों को ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र होता है n-2 × 180, और प्रत्येक का मान ज्ञात करना हो तो हम n का भाग दे देंगे, तो n की जगह 5 लिखेंगे, क्योंकि पंचभुज है, 5 में से 3 को घटाएंगे, उसको 180 से गुणा करेंगे और फिर इसमें 5 का भाग दे देंगे। 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, 3 2 को गुणा करेंगे 180 और बटे में आएगा 5। हम क्या करेंगे, 5 के पार से इस जो 180 इसको काट देंगे, तो
तो 5 के 12 से 100 से कटेंगे, 5 से 15 3 बचेंगे 30 हो जाएंगे, 5 6 30 36 बार कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 36 को 2 से गुणा कर देंगे इसमें, ये यहाँ पे 3 नहीं यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ पे हम इनमें 3 बचेंगे, तो यहाँ पे 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 और 3 3 9 और 1 10 108 डिग्री इसके उत्तर होंगे। 108 डिग्री अपने ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन जो है आपके दे रखा है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण दे रखा है, इसमें दूसरे दोनों कोणों के माप ज्ञात करने, तो दो जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसकी दो भुजा बराबर है तो ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये जो भुजा बराबर होती है उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों भुजा बराबर है, उसके सामने वाले कोण भी दोनों बराबर होंगे, एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स हो जाएगा। इन तीनों कोणों की जोड़ की कितनी होती है, 180 डिग्री। तो 80 प्लस एक्स तीनों की जोड़ जो है वो 180 डिग्री होगी। इनकी जोड़ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 80 प्लस 2x और बराबर में कितना है 180। इस 80 को उधर ले जाते हैं माइनस में चला जाएगा, तो 2x बराबर क्या आएगा, 180 में से 80 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो 2x बराबर 100 है तो x बराबर कितना आएगा, 100 बटे 2 आ जाएगा। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए 100 में 2 का भाग देंगे, 50 बार जाएगा। इसका जो आंसर है बी और सी दोनों 50-50 डिग्री के आएंगे, आपके ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, 50 डिग्री और ये 50 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 50-50 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपके कि 15x 18 और 12, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके 18 का भाग दे देंगे, तो बाहर वाले तो हैं 15 × 12 और उसमें भाग दे देंगे 18 का, 3 के 12 से कटेगा ये 5 बार और ये कटेगा 6 बार, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे, 6 के 12 से 1 बार ये कटेगा 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आंसर आएगा, चौथे ऑप्शन में 10 आंसर दे रखे हैं। पृथ्वी की सूर्य से लगभग दूरी दे रखी है, ये आपके 10वीं प्रश्न तालिका का सवाल है, इस दूरी का वैज्ञानिक संकेतन लिखना है। तो देखो पॉइंट जो लगेगा वो 1 और 5 के बीच में लगेगा, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अंक छोड़ने पड़ेंगे, तो 1.85 × 10⁸ इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले ऑप्शन में इसका उत्तर दे रखा है 1.5 × 10⁸ मीटर। यहाँ पर ये दे रखा है कि ये जो रेखा है पी और क्यू वो समांतर है और क्यू और आर भी समांतर है। अगर एक्स का मान है आपको इसमें ज्ञात करना है तो देखो इसमें क्या है, ये दोनों जेड बन रहे हैं और जेड में जो हमेशा एकांतर कोण बनते हैं, इनको एकांतर कोण का मान हमेशा बराबर होता है। ये 65 है तो ये भी कितना होगा, 65 ही होगा। इसका जो आंसर है तीसरा से हो जाएगा 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस चित्र में आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है, दो कोण तो दे रखे हैं ये, एक तो बाहर का कोण दे रखा है और एक अंदर का दे रखा है, तो इन दोनों अंदर के कोणों की जोड़ इस बाहर के कोण के बराबर होती है, यानी कि 35 और एक्स को जोड़ेंगे तो ये 65 के बराबर आएगा। तो 35 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो एक्स का मान ज्ञात करने के लिए 65 में से 35 को घटा लेंगे, 65 में से 35 को घटाए तो इसका जो आंसर है वो 30 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 30 डिग्री। 35 मीटर पहिए त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में तय की गई दूरी ज्ञात करनी। पहिया जो होता है वो वृत्ताकार होता है, इसमें आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का जो सूत्र होता है वो 2πr होता है, पाई का मान लेते हैं 22/7, तो इसमें पाई का मान 22/7 और आर का मान 35 मीटर लेना है। 1 चक्कर में दूरी है वो परिधि के बराबर आएगी, तो 2 चक्कर के लिए इसको 2 से गुणा कर देंगे, और पहले 1 चक्कर की ज्ञात कर लेते हैं 2πr से, 2 × 22/7 × 35, 35 7 के 12 से कटेंगे 5 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 10 को 20 से 22 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 220 आएगा, 220 को 2 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 440 मीटर। तो 440 मीटर आपके ऑप्शन नंबर जो 4 है इसमें दे रखा है 440 मीटर। नेक्स्ट है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी में से इसको घटा लेंगे, तो इनको घटा लेते हैं हम यहाँ पे 7x - 8y, इसमें से घटा लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड को, घटाने से पहले इनके निशान चेंज करते हैं, तो ये 7 में से 1 गया तो 6x बचेगा, ये -8 और -1 -9y हो जाएगा और ये -z हो जाएगा, तो ये आपकी जो उत्तर है 6x 9y और -z, ये आपके दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड अगला सवाल, इसमें a = 2 और b = -3 हो तो इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो a² - ab + b²
तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए और बी का मान लिख लेते हैं। ए का मान 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 2 इंटू बी का मान माइनस के 3 है, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 तीन 9 हो जाएगा, 6 और 4 10 और 9 19 इसके उत्तर आएंगे। 19 उत्तर आपके पहला ऑप्शन में दे रखे हैं। तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से बनी आकृति क्या कहलाती है, इसको बहुभुज कहते हैं, पॉलीगन कहा जाता है। किसी संख्या के 7 × 4 × 7 अधिक 43 होते हैं तो वह संख्या बतानी है। तो किसी भी इसको मान संख्या को मान लेते हैं x, x को करेंगे 4 से गुणा, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43 आ रहा है, ये इसकी समीकरण बनेगी। 7 को इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा ये, तो 4x बराबर 43 में से 7 को घटा लेंगे, 13 में से 7 गए तो 6 बचेंगे यानी कि 36 बचेगा, तो 4x बराबर 36 है। तो इसमें x बराबर कितना आएगा, 36/4, 36 में 4 का भाग कितने बार जाता है, तो x बराबर 9 उत्तर आ जाएगा। देखो 9 को 4 से गुणा करो, 9 चौक 36 में 7 जोड़ दो, 43 आ जाएगा। ये इस प्रकार से ऑप्शन से भी सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल है फिर आपके, एक नगर की जनसंख्या दे रखी है 25,000 रुपये और इसकी जनसंख्या बढ़कर 26,500 हो जाती है, वृद्धि दर याद करें। तो कितनी बड़ी, तो 25,000 से 26,500 हो गई, तो बड़ी कितनी, 1500 बढ़ गई इसमें, ठीक है, यानी कि 10,000 ये 1500 बढ़ी, तो इसमें 1500 बढ़ जाएगी, और किस पे बढ़ी, तो ये 25,000 पे बढ़ी, इसको हम 25,000 को 100 से गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इसके 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 के पार से 150 ये 6 बार कटेगा, तो इसका जो आंसर है वो आपके 6% रहेगा। अगला प्रश्न 88 नंबर, 3, ये आपको इसमें मान ज्ञात करना है, तो ये 3 का भाग देंगे 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, तो ये होगा n-15 बराबर 7, तो n बराबर हो जाएगा 7 + 15, 15 और 7 को जोड़ लेंगे, 7 और 5 = 12 यानी कि 22 उत्तर आ जाएगा, 22 आपके चौथे ऑप्शन में दे रखा है। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास दे रखा है आपको 44 मीटर, इसका क्षेत्रफल याद करना है, यानी कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है। सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल का πr², r का मतलब इसमें त्रिज्या ज्ञात करें, तो व्यास में 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, तो 14 में 2 का भाग देंगे तो r का मान 7 मीटर आ जाएगा। πr² यानी कि 22/7 इंटू आर का मान 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 2 = 14, 14 और 1 = 15, 154 उत्तर आएगा इसका, 154 आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। 90 नंबर क्वेश्चन में, यदि इन संख्याओं का माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करना है। माध्य दे रखा है, माध्य बराबर सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो योग में संख्या का भाग देना है, तो इनका जो माध्य है वो तो दे रखा है आपको 4, योग करेंगे इन सभी की जोड़ करेंगे, तो 3 और 4 = 7, 7 और 8 = 15, 15 और 5 = 20 और 3 = 23, तो ये आएगा आपके 23 + x और बटे में संख्या कितनी है, 3 और 3 = 6, तो यहाँ पर हम इनको गुणा करेंगे 6 को 4 से, 6 चौक 24 बराबर 23 + x, x का मान ज्ञात करना, तो 23 को इधर ले आएंगे, तो 24 में से 23 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी पेपर अपलोड करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन जिन के भी पेपर होना बाकी हैं, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा कब से होने वाली है उसके लिए भी आप कमेंट करके बताना, उसके लिए भी आपके मॉडल पेपर अपलोड करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो अच्छी प्रकार से तैयारी हो सके और अच्छे से नंबर आपके प्राप्त हो सके। ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप का जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो आपके टेस्ट है उनका भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना, आपके पेपर होते हैं आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, आपका वीडियो सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। 75/68/35/00/69 कौन सबसे पहले पेपर अपलोड करता है देखेंगे ये, और पेपर साफ अपलोड करना है, जैसे ये पेपर आपको दिखाई दे रहा है वैसे आपको क्लियर कट PDF बनाकर भेजना है। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। पुराने पेपर के जो वीडियो आप देख सकते हैं सभी आपको ऐप के ऊपर या इस वीडियो के की जो लिंक है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी वीडियो सेक्शन में जाके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।